हेलो सभी गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ फ्रांस के किसान मार्केट में, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर शहर में अपना खुद का किसान मार्केट होता है, जहाँ किसान डायरेक्ट अपना सामान लेके आते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या स्पाइसेस हो, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द फार्म। और मैं दिखाऊंगा आपको एक कैसा, कितनी कितनी वैरायटी में कितना पॉपुलर है, क्या लोग पसंद करते हैं या ट्रेडिशनल सुपरमार्केट में जाते हैं, तो सब दिखाऊंगा आपको। वीडियो में बने रहें, काफी एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की ओर। तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखाऊं मैं यहाँ का किसान मार्केट कैसा है, कि पूरे मार्केट एरिया जहाँ पे ऑलरेडी फार्म फ्रेश फूड मिलता है, मतलब फूड के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया फूल हैं, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है यहाँ का किसान मार्केट, बहुत भीड़ आती है भाई यहाँ पे। तो भाई कुछ ज़्यादा भीड़ लग रही है, मुझे ही लग रहा है। ये शायद ऑयस्टर्स रखे हैं, वही है। ऑयस्टर्स हैं, ये चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलते हैं यहाँ पे, गोट चीज़ वगैरह वगैरह। और ये अपने देखें, इस साइड देखें तो भाई सब्जियाँ ही सब्जियाँ, एकदम फ्रेश। तो जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे फ्रांस में वेजिटेबल्स नहीं मिलती, वो एकदम उनको दिखाना चाहूँगा कि देखो भाई कितना कुछ मिलता है यहाँ पे। मतलब आज दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, इतना सारा है यहाँ पे कुछ। अब ये पता नहीं क्या क्या है, डेट्स है मेरे ख्याल से, डेट्स भी मिलता है, मैंने कभी देखा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे डेट्स, क्या बात है, कभी खाएंगे। और ये जैम है अलग अलग वेराइटी के, ये क्या गुलाब जामुन है क्या, पता नहीं, क्लेमेंटाइन। अच्छा हाँ, ओ माई डार्लिंग क्लेमेंटाइन। और ये शायद मेरे, शायद पता नहीं ये क्या है, किसी से पूछता हूँ भाई, कोई मेरा फ्रेंच दोस्त है तो बताएं गोट क्या है ये सब। गोट चीज मछली का है, ये टोमेटो स्पीचेस, ये एक और चीज। और यहाँ पे भी देखने का कितने भर भर के, मतलब भर भर के वेजिटेबल्स हैं यार भाई, मैंने खुद नहीं सोचा कभी इतने सारे वेजिटेबल्स होंगे यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं आप शायद पिकल्स, और ये मीट शॉप भाई, मीट भी बहुत तरह के है, खरगोश का मीट मिलेगा, चिकन मिलेगा आपको, टर्की मिलेगा, सॉसेज मिलेगा, मतलब ठीक है भाई चीज़। तो भाई मीट, ये पोर्क की इतनी सारी वैरायटी है, काऊ बीफ है यहाँ पे। तो हम बढ़ते हैं आगे, और देखिए आप कितने सारे वेजिटेबल्स और रखे हैं यहाँ पे, चीज़ की तो भाई भरमार है यहाँ पे, भर भर के चीज़ है भाई। चाहिए पार्टो जो? तो ये रे वेजिटेबल्स एकदम फ्रेश, फार्म फ्रेश से बोलते हैं ना। अरे मसाले भी भरमार है भाई, मसाला जो यहाँ के अर्ब्स हैं सब एकदम बढ़िया बढ़िया, दिखाता हूँ आपको भाई, भरमार है, मतलब आप सोच सकते, देखो हल्दी है, हमें देसी स्पाइसेस जो चाहिए हैं सब मिलेंगे आपको, जावित्री है, जायफल है, सिनेमन सिक्स है, मतलब मिर्च के इतने सारे है, पपरिका हो गया, ये सारे जैम की वैरायटीज हैं। और ये और सब्जियां, इस साइड बढ़ते हैं, इस साइड भी देखिए मसाले हैं, अलग अलग देश के मसाले हैं, लेबनान से आए हुए स्पाइसेस हैं, मटन, तो
हालांकि थोड़े महंगे होंगे नो डाउट, लेकिन एकदम आपको फ्रेश मिलेंगे। ये पालक हो गया आपका, इसका नाम ही भूल गया पानी कौन सा फ्रूट था, स्वीट्स ठीक है। तो ये मैक्रोन्स हैं यहाँ पे जो मीठे होते हैं, मतलब भरमा रहा है पो। मैंने एक ही बार शायद यहाँ से लिया था, थोड़ा सा मतलब मार्केट रेट से महंगा है, लेकिन एकदम ताज़ा मिलेगा आपको, इसकी गारंटी है, एकदम फ्रेश मिलेगा। तो आप देख सकते हैं भीड़ भी कितनी है, लोग वीगन फूड पसंद करते हैं, वेजिटेबल्स भी बहुत खाते हैं। तो ये लोग क्योंकि असम्पशन है कि लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं खाते, जो कि गलत है। और आई थिंक यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, तो ये था भाई यहाँ का किसान मार्केट, सॉरी अदेन ससन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।